नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों को सरस्वती चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारा वाटर मिलन वाला थर्पोश डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बना करके इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और इसमें 1-2 चेन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक हो गया, यह चेन को काउंट करते हुए फ्रेंड्स यह 3 डबल क्रोशिया हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। और इसको इस तरह से मैजिक रिंग को खींच देंगे और ये जो चेन वाला बनाए थे, 3 चेन जो लिए थे, 2 चेन, इसी में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये टोटल 30 डबल क्रोशिया हो गया और इसको थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। अब ये दूसरा कलर लगाएंगे। इसके बीच से इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। 1 चेन लेंगे, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर के 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर डालते हुए 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 2, 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तीन चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 सिंगल क्रोशिया। 2, 3 चेन लेंगे टू
थ्री चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया। हर दो डबल क्रोशिया के बीच में इसी तरह से थ्री चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन। वन टू थ्री चेन लेकर के यहाँ ये लास्ट हो गया। फिर थ्री चेन लेकर के इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इस तरह से तैयार हो गया। यहाँ से फिर रेड कलर को ज्वाइंट करेंगे। आप कहीं से भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये जो डबल क्रोशिया जो बना हुआ है, दो डबल क्रोशिया बीच में, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में ये जो चेन है पहला डबल क्रोशिया के, इसके ऊपर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर टू चेन लेंगे और नेक्स्ट ये सेम चेन में इसको डालते हुए एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में भी डाल करके दो डबल क्रोशिया बना देंगे। तो बीच में दो डबल क्रोशिया था फ्रेंड्स, उसके ऊपर चार डबल क्रोशिया होगा। दोनों डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। टोटल 60 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरे राउंड कंप्लीट हो गया और इसके बाद इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। जो चेन बनाए थे उसमें एक चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे। इसको आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं, इसको साथ में ले लेते हैं। टू चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और इसके बाद इसको यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यह दूसरा कलर लगाएंगे और आपके इसको आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हैं।
टू चेन लेकर के सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया, इसे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको कट कर दिया। अब इसको दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ से कहीं से भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह से जॉइंट कर दिया और सारे चेन में जितना चेन है फिर सारे में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से करके दिखाते हैं फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर यह डिजाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिजाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।